हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसबीसी क्लासेस। जो लोग 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक आर्टिकल जो कि रिसेंटली दैनिक भास्कर में पब्लिश हुई थी, उसमें ये बताया गया कि रिज़ल्ट जल्द ही जारी हो सकते हैं। हालांकि इसमें कहा गया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक या फिर अप्रैल के अंत तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप मई की फर्स्ट वीक लेकर चलिए कि मई के पहले सप्ताह तक आपका रिज़ल्ट जारी होने की संभावना नज़र आ रही है। पिछले साल भी 29 अप्रैल को जारी किया गया था रिज़ल्ट, तो 29 अप्रैल अभी एक दो दिन का समय है और हम एक सप्ताह और आगे की डेट लेकर चलते हैं, तो हम मानकर चल सकते हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर आपका रिज़ल्ट अधिकतम टाइम लगेगा और 10 दिनों में आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और ये हो सकता है कि 2 दिन बाद ही आ जाए, 5 दिन बाद आ जाए या फिर 10 दिन, तो अधिकतम 10 दिन लगने की संभावना है और अगले सप्ताह तक भी 5 या 7 तारीख तक भी रिज़ल्ट आ सकता है। पिछले साल 29 अप्रैल को रिज़ल्ट जारी हुआ था। 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट एक साथ भी जारी हो सकता है, अलग अलग भी जारी हो सकता है। अब देखते हैं, अब कुछ पिछले सालों के ट्रेंड देखें तो एक साथ जारी होने की